हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेट इज औषध सेवन काल, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, एंड मे बी इट कम फॉर 4 मार्क्स, मे बी अ 10, नॉट मोर देन दिस। सो इन औषध सेवन काल क्या होता है? औषध का सेवन करने का काल, औषध सेवन काल, दैट्स इज टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, डिपेंड अपॉन रोगी और रोग की अवस्था। रोगी और रोग की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मेडिसिन वो किस टाइम लेनी है, ठीक है, प्रॉपर डोज के साथ। बेशज्य कालो भुक्तम आदो मध्यम मध्य पश्चादन मुहूर् मुहूर् समुद्ग भक्तम संयुक्तम ग्रास ग्रासांतरे दश। चरक जी ने 10 टाइप की बोली है। सबसे पहले देखो मैं आपको समझाती हूँ, आपको ये रस शास्त्र में भी आएगा, भेषज में भी आएगा, और कैसी कभी ये टॉपिक बनता है। देखो सबसे पहले आता है कि आपने खाली पेट लेनी है, दूसरी बात आती है खाने से बिल्कुल पहले लेनी है, या फिर खाने के बीच में लेनी है, या फिर खाने के साथ लेनी है, या खाने के बाद लेनी है, या फिर इनटेक ऑफ मेडिसिन बिफोर एंड आफ्टर फूड। समुद्र का मतलब कि पहले भी और बाद में, ठीक है, प्री और पोस्ट प्रेंडियर। नेक्स्ट भक्तांतर, रिपीटेडली इन बिटवीन द मील्स, खाने के बीच बीच में बार बार लेना। सग्रास मतलब हर एक बाइट के साथ लेना, ग्रासांतर मतलब दो बाइट के बीच में लेना, मुहूर् मतलब कि बार 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 उस मेडिसिन को लेना, और निशी मतलब रात को लेनी है, ठीक है। तो निशी बेसिकली भागवत जी ने बताई है, चरक जी ने नहीं बताई है निशी। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है आपके पास, आपको अब ध्यान में रखनी है बात। सबसे पहले आती है अभक्त, खाने से मतलब खाली पेट, फिर आता है प्रागभक्त, खाने से पहले, फिर मध्यभक्त आएगा, फिर आता है आपके पास पश्चात भक्त मतलब अधोभक्त आता है, फिर आता है आपके पास यहाँ पे लिखा है ना सभक्त, सभक्त मतलब खाने के साथ। देखो पहले तो खाली पेट, फिर खाने से पहले, फिर खाने के मध्यम में, फिर खाने के साथ, ठीक है, फिर खाने के बाद, फिर आएगा आपके पास खाने के पहले भी और खाने के बाद भी समुद्र, फिर आता है आपके पास भक्तांतर मतलब कि खाने के बीच में ही खाना, फिर ग्रास आता है हर एक बाइट के साथ, फिर ग्रास अंतर आता है, फिर मोहर मोहर बार बार, फिर आता है आपके पास निशी, ठीक है, ये आता है आपके पास। तो क्या है सबसे पहले अभक्त मतलब एम्प्टी स्टमक, कब खाते हो? कफ प्रदान दोष में और बेसिकली बलवान रोगी में खाली पेट खाते हैं। पूर्व भक्त मतलब खाने से पहले कब खाना है आपको? अपान वायु की कंडीशन में, या फिर जैसे भी बंद कॉन्स्टिपेशन वाली जो है वो तब खानी है। मध्य भक्त खाने के बीच में समान वायु वाले विकार में, ठीक है, ग्रहणी परिणाम उदर शूल अतिसार प्रवाहिका अलसक विलंबिका में। खाने के साथ किस में खाना है? अरुचि में, ठीक है। नेक्स्ट पश्चात भक्त, बाद में कब खाना है? व्यान वायु के विकार में या उदान वायु के विकार में, ठीक है। देखो खाने से पहले किसकी कंडीशन में, मतलब बिल्कुल खाने से पहले अपान की में, खाने के बीच में समान, और खाने के बाद उदान और व्यान। समुद्र मतलब बाद में और पहले किस में खानी है आपको? कंप अक्षेपक और हिक्का, ठीक है, कंप अक्षेपक और हिक्का, हक एच ए के हक, डेट इज हिक्का अक्षेपक और कंप। हिक्का अक्षेपक और कंप में आपको क्या करना है? बाद में भी और पहले भी खानी है। नेक्स्ट आता है समुद्र के बाद आपका भक्तांतर, मतलब रिपीटेडली इन बिटवीन द मील्स, तो आपको किसमें खानी है? ये भी अरुचि में खानी है। सग्रास एवरी बाइट के साथ किस में खानी है? प्राण वायु के विकार में, श्वास में आपको इसी के साथ खानी है, क्योंकि स्वास्थ्य में क्या होगा, सांस तो चलता रहता है, तो हर एक बाइट के साथ ही खाना है आपको सग्रास। फिर ग्रास, दो ग्रास के बीच में मतलब कि दो बाइट के बीच में किस में खानी है? प्राण वायु के विकार में, ठीक है, और बार बार हिक्का के में, सर्दी में, ठीक है, विष विकार में, तृष्णा का श्वास में बार बार खाने है, ठीक है। और आचार्य भागवत जी ने एक बताया है, डेट्स इज निशी, रात को किस में खानी है? जो भी आपकी उर्ध चतुर्गत विकार होते हैं उसमें आपको रात को खानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आपके पास खाली पेट, किस में खाना है? बलवान वाले में या कफ प्रदान वाले में। पूर्व वाले में आपका क्या आएगा? जो भी आपके पान वायु के विकार होंगे। मध्यम में आपके समान के। फिर सभक्त, खाने के साथ किस में? अरुचि में। पश्चात भक्त, अभियान वायु में, उदान वायु में। समुद्र पहले और बाद में,
हक, डेट इज हिक का आक्षेप और कम। नेक्स्ट आएगा इसमें ग्रास अंतर, नो भक्तांतर। भक्तांतर अरुचि प्राण, अरुचि के में सग्रास प्राण वायु के में, ग्रास अंतर प्राण वायु के में आएगा ये भी, ठीक है। और मुहूर मुहूर बार बार आपको किसमें खाना है, हिक्का में, छर्दी में, श्वास कास में, ठीक है, विष वाले में, और निशी उज्जत्रगत वाले में। तो यहाँ पे हमारा औषध सेवन काल कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपके इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।